क्या हालचाल, सत श्री अकाल दोस्तों। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए हॉलीवुड की टॉप 10 जबरदस्त फीमेल एक्शन मूवीज लेके आया हूँ, जिनका प्लॉट, डायरेक्शन और एक्टर्स की परफॉर्मेंस लाजवाब है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करके अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाना। तो नंबर 10 पे है 2014 की एक्शन थ्रिलर विद IMDb 5.1 के साथ में सलमा हायक स्टारर एवरली। कैसे 4 साल एक मॉब बॉस के कब्जे में रहने के बाद एवरली उसके चंगुल से निकलने का प्लान बनाती है, और फिर कैसे ये प्लान उसके लिए ज़िंदगी और मौत का खेल बन जाता है जब उसका बॉस उसको मारने के लिए कुछ डेंजरस किलर्स को भेजता है। नंबर 9 पे है 2011 की एक्शन थ्रिलर विद IMDb 5.8 के साथ में जीना कैरोनो स्टारर हेवायर। कैसे एक ब्लैक ऑप सोल्जर मेलोरी को एक रेस्क्यू मिशन के वक्त उसी का पार्टनर डबल क्रॉस करके उसको मरने के लिए छोड़ देता है, और कैसे मेलोरी बच जाती है लेकिन फिर से कुछ असैसिन्स उसके पीछे पड़ जाते हैं उसको मारने के लिए। Father's living room, telling him that this January's dangerous mission. She's a public threat. तो नंबर 8 पे है 2016 की एक्शन हॉरर विद IMDb 5.8 के साथ में केट बेकिनसेल स्टारर अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स। कैसे वैम्पायर सेलिन लाइकन और वैम्पायर्स के बीच छिड़ी हुई वॉर को खत्म करने का प्लान बनाती है, और फिर कैसे इस इम्पॉसिबल काम के लिए वो अपनी जिंदगी भी दांव पे लगा देती है। नंबर 7 पे है 2018 की एक्शन थ्रिलर विद IMDb 6.3 के साथ में एलिशिया विकेंडर स्टारर टॉम रिडल। कैसे अपने खोए हुए फादर को ढूंढने के लिए लारा एक डेंजरस जर्नी पे निकल पड़ती है, और फिर कैसे उस जर्नी में उसको कुछ डेडली किलर्स का सामना करना पड़ता है जो उसको मारना चाहते हैं। What do you know about my father? Now I see the likeness. The recklessness. तो नंबर 6 पे है 2007 की एक्शन हॉरर विद IMDb 6.3 के साथ में मिला जोविच स्टारर रेजिडेंट इविल एक्सटेंशन। कैसे टी वायरस फैलने के सालों बाद एलिस एक जगह से दूसरी जगह सरवाइव करती रहती है, और फिर कैसे वो कुछ सर्वाइवर्स के साथ मिलकर इविल डॉक्टर आइसेक के जानलेवा एक्सपेरिमेंट्स को रोकने की कोशिश करती है। तो नंबर 5 पे है 2011 की एक्शन थ्रिलर विद IMDb 6.4 के साथ में जोई सेल्डाना स्टारर कोलंबियाना। कैसे बचपन में अपने पेरेंट्स के मर्डर के बाद कैटलिन बड़े होके एक प्रोफेशनल असैसिन बन जाती है, और फिर कैसे वो अपने पेरेंट्स की मौत का बदला लेने के लिए उसके किलर्स को एक एक करके मारने लगती है। तो नंबर 4 पे है 2010 की एक्शन थ्रिलर विद IMDb 6.4 के साथ में एंजेलिना जोली स्टारर सॉल्ट। कैसे रशिया के प्रेसिडेंट के असैसिनेशन की प्लानिंग का झूठा इल्जाम एक CIA एजेंट एल्विन पे लग जाता है, और फिर कैसे एवलिन अपनी पूरी जान लगा देती है अपने को इनोसेंस प्रूव करने में। तो
तो नंबर 3 पे है 2018 की एक्शन थ्रिलर विद आईएमडीबी 6.5 के साथ में जेनिफर गार्नर स्टारर पेपरमिंट। कैसे एक ब्रूटल अटैक में रायली अपने पति और अपनी बेटी को खो देती है और फिर कैसे जब रायली को जस्टिस नहीं मिलता तो उसका बदला लेने के लिए वो खुद एक डेडली विजिलेंट बन जाती है। Riley North did this. Today's the 5-year anniversary of her family's murder. She's back. Dirty cops. What do I want? Oh, look how you really think this is gonna go. And then I'll pretty much wing it from there. नंबर 2 पे है 2017 की एक्शन फैंटेसी विद आईएमडीबी 7.4 के साथ में गैल गैडेट स्टारर वंडर वुमन। कैसे प्रिंसेस डायना एक यूएस पायलट स्टीव को क्रैश प्लेन से बचाती है और फिर कैसे ये जानने के बाद कि वर्ल्ड में वॉर छिड़ी हुई है तो वो स्टीव के साथ निकल पड़ती है एक पावरफुल गॉड को रोकने के लिए जो ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। फाइनली नंबर 1 पे है 2003 की एक्शन क्राइम विद आईएमडीबी 8.1 के साथ में उमा थर्मन स्टारर किल बिल। कैसे अपने बॉस के एक ब्रूटल अटैक के बाद एक असैसिन द ब्राइड कोमा में चली जाती है और फिर कैसे 4 साल बाद जब वो कोमा से बाहर आती है तो वो निकल पड़ती है अपना बदला लेने के लिए जो उसकी हालात के जिम्मेदार होते हैं। yeah, तो इस टॉप 10 काउंटडाउन में से आपकी कौन सी फेवरेट मूवी है कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं ऐसी ही हॉलीवुड की टॉप 10 ज़बरदस्त काउंटडाउन में। तब तक के लिए मूवीज़ देखो और इन्जॉय करो।